हमारे साथ किरण जी हैं, पंजाब से हैं। पंजाब में पहले तो आप अपना पूरा मेरे को इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं किरणजीत सिंह गैरी, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी दलित महापंचायत पंजाब प्रदेश। क्या मंशा थी सरकार की इस मूर्ति को तोड़ने के पीछे? देखिए, हमारा मानना तो ये है कि मान जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बार बार ऐसे फैसले दिए जाते हैं, उन फैसलों को लेकर के सरकार की तरफ से ऐसा कार्य किया जाता है, श्री गुरु रविदास जी के सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात की जाती है, और ये इन इतने लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के मनों को जो ठेस पहुंचाई जा रही है, तो जो मैं समझता हूं ये बहुत मारी मंशा है और सरकार को दीवार पर लिखा पढ़ लेना चाहिए। आज लाखों लोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मेरा ख्याल कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे, आज लाखों लोग यहाँ पहुँचे हैं। श्री गुरु रविदास जी का 500 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर तुगलकाबाद में जो बना हुआ था, उसको तोड़ने का जो कार्य सरकार की तरफ से किया गया है, भले ही सुप्रीम कोर्ट को साथ में सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना के लिया गया हो, लेकिन आज भी सरकार उस मंदिर को दोबारा बना सकती है। कैसे बना सकती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे करके DDA को उस जमीन का कब्जा दे दिया है। अब सरकार चाहे तो DDA से श्री गुरु रविदास जी के मंदिर के नाम से दोबारा उस जमीन को अलाट कराया जा सकता है, श्री गुरु रविदास जी के मंदिर को दोबारा वहीं पे बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे सरकार की मंशा अच्छी नहीं लगती, इसलिए आज लाखों लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अगला स्टेप क्या रहेगा अगर रविदासी समाज का मंदिर नहीं बनता है? देखिए, पहले तो एक बात मैं बताऊँ, ये मामला सिर्फ रविदास समाज का नहीं है, ये मामला पूरी दुनिया का है, समूची मनुष्यता है। गुरु रविदास जी ने जो संदेश दिया था, उनका संदेश था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। श्री गुरु रविदास जी को सिर्फ शरूर का श्लोक ही नहीं मानते, लेकिन इंसाफ पसंद जो लोग हैं गुरु रविदास जी को मानते हैं, पूरी दुनिया में लोग गुरु रविदास जी को मानते हैं, विश्व भर में सरकार के खिलाफ पूरा रोष है। अगर सरकार ने दीवार पर लिखा नहीं पड़ा, तुरंत उस मंदिर को दोबारा उसी जगह पर नहीं बनाया गया, श्री गुरु रविदास जी के मान सम्मान को बहाल नहीं किया गया, विश्व भर में जो रोष है, पंजाब में, पूरे देश में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं लाखों लोग यहाँ पर रामलीला मैदान में, दिल्ली में खड़े हुए हैं, तो ये लोग सड़कों पर निकल आए अपने अपनी स्टेज पर, तो देश का बनेगा क्या? अगर देश में कुछ भी अप्रिय घटना वापरती है, सीधे तौर पर सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। सरकार को हम पिछले दिन ही हरदीप पुरी जी जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया, अब मंत्री जी कह रहे हैं कि हमें प्रपोजल बताइए, हम लोगों ने बताया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का आसरा लेकर के गुरु रविदास जी की जमीन पर जो कब्जा किया गया है DDA ने, DDA उसी जमीन को दोबारा गुरु रविदास जी के मंदिर को अलाट करे और बोर्ड बना के हमारे लोगों को उसमें शामिल करे और मंदिर को बनाया जाए, ये हमने प्रपोजल दिया हरदीप पुरी जी को, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जू नहीं सरक रही, इसलिए केंद्र सरकार को ये दीवार पर लिखा पढ़ लेना चाहिए। लाखों लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं, अगर यही करोड़ों लोग सड़कों पर निकले पूरे देश में, सरकार का क्या बनेगा, तो ये सरकार को समझना चाहिए। तो मैं चेतावनी समझो समाज की तरफ से, इन लोगों के हृदय बरूंदे गए हैं, आज किसी को बुलाया नहीं गया, ये किसी पार्टी का कट नहीं है, लोग अपने आप महारा लोग आए हैं, कोई अपने दिहाड़ी छोड़ के आया, काम छोड़ के आया, जिनको गुरु रविदास जी से दर्द है, जो गुरु रविदास जी को मानते हैं, वो लोग अपने से आए हैं, कोई गाड़ी से, कोई किसी से, कोई कैसे आया है, तो इसलिए ये आप लोगों की भीड़ जो है, ये गुरु रविदास जी के सम्मान की भीड़ है, गुरु रविदास जी के सम्मान के लिए। ये सारी भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये सारी बहुजन समाज की भीड़ है, और बहुजन समाज की भीड़ जहाँ जहाँ हम लोगों ने इंटरव्यू लिए, बताएं पूना, नासिक, अहमदाबाद, गुजरात, और पता नहीं आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर यहाँ पर लोग आए हुए, और इन सबका यही कहना है कि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, हम लोग संविधान के उस पर चलते हैं और संविधान के उस पर ही हम लोग काम करना चाहते हैं, इसलिए आप सब से, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, क्योंकि बहुजन समाज सैकड़ों सालों से लड़ाइयाँ करता हुआ आ रहा है, अगर सरकार ने हमारी बातों को नहीं माना तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पहले हम लोगों के लिए लड़ते थे, पहले हमारे लोगों के लिए लड़े, देश के लिए लड़े, कुर्बानियां दी, लेकिन आज अपने सम्मान सम्मान के लिए लड़ने की हमारी बारी है, अपने मान सम्मान के लिए, अपने रहबरों के मान सम्मान के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं और हर कुर्बानी देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। गुरु रविदास जी का मंदिर उसी जगह पर बनेगा और बन के रहेगा। जय गुरु रविदास, जय गुरु रविदास, सतगुरुदास महाराज की, सतगुरुदास महाराज की। अगर आपने
अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।